सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। शादी के बाद हर किसी से टकराती हैं ये पांच दिलचस्प चुनौतियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नंबर एक, पर्सनल लाइफ नहीं रहती। शादी के बाद व्यक्ति अकेलेपन से दूर तो होता है, लेकिन फिर आपकी किसी के साथ भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। लेकिन इस अवधारणा को आप अपने दिल से निकाल दें, यही बेहतर होता है। इस बात को सोचना ज्यादा सही है कि आप दोनों अब पार्टनर हैं। अपनी बात को एक दूसरे से छिपाने की बजाय शेयर करें, इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब नहीं होगी और अपनी जिंदगी में आप बहुत सहज महसूस करेंगे। नंबर दो, रिश्ते में रखें स्पेस। शादी दो इंसानों को जोड़ने का नाम है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जीवन साथी पर बेमतलब लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। हर रिश्ते में कुछ स्पेस जरूर रखना चाहिए, इससे आपके बीच प्यार भी बना रहेगा और उसमें मजबूती भी आएगी। हर बात में अपने पार्टनर को रुकना टोकना छोड़ दें। नंबर तीन, शादी के बाद आने वाले बदलाव। शादी के बाद पति पत्नी के ऊपर अपनी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। इन दोनों चीजों को एक दूसरे से अलग रखकर परिवार और प्यार में आपको बैलेंस बनाना चाहिए। अगर रिश्ते में कभी कोई परेशानी, लड़ाई या झगड़ा हो भी जाया करे, तो भी एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों की जिंदगियां बदलती हैं और इसी बदलती जिंदगी में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। नंबर चार, प्यार के साथ जरूरी है तकरार। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है। ऐसी स्थिति के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखें और समय के साथ चीजों को भी बदलें, लेकिन मन को हमेशा स्थिर रखें। पति पत्नी दोनों का फर्ज होता है कि खुद का यकीन और भरोसा एक दूसरे के प्रति कभी टूटने नहीं दें। नंबर पाँच, वादे पर रहें कायम। पार्टनर में एक दूसरे को लेकर कुछ वादे होते हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक दूसरे से ऐसा कोई वादा नहीं करें जो निभा नहीं पाए, क्योंकि यह रिश्ता उम्मीद और विश्वास पर ही टिका रहता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे किसी चीज की डिमांड करता है और आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो बेझिझक आप उनसे कह दें। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करती होंगी तो जरूर समझेंगी।